कम ऑन रूबी, बस थोड़ी देर की बात है। भगवान करे पंडित जी का शक गलत साबित हो और रूबी ही असली दैविक हो। सही निकला। जब देवी का निशान ही असली नहीं है तो दैवी कैसे असली हो सकती है? मुझे तुरंत जाकर वेश्री जी को बताना होगा और ये शादी रुकवानी होगी तुरंत। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है बंधु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमा कर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सब के लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मैं तो आपको सिर्फ एक पंडित जी समझती थी, पर आप तो डिटेक्टर निकले। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। अब ये शादी नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर वेश्री जी को बता दूंगा कि तुम दैविक नहीं हो। ओह माय गॉड पंडित जी, आपने तो मेरा सच जान लिया। पंडित जी, अभी तो आपको सिर्फ आधा सच पता है। मतलब ये पंडित जी कि आपको ये तो पता है कि मैं एक दैविक नहीं हूँ। ये शादी तो होके रहेगी, बस मंत्र आपकी जगह कोई और पड़ेगा पंडित जी। सिर्फ भगवान के दर्शन ही करते रहते ना तो जिंदा रहते,
डायन के दर्शन क्यों कर लिए? अलविदा पंडित जी। अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता।